आज शुरुआत करते वक्त मैं क्लास कम वीडियो दोनों साथ में बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोग, मैं ये ट्वीट कर रहा हूँ कि आप जैसे बाहर से लोग जो वीडियो देखते हैं उनको सीखने के लिए सच में मैंने क्या किया है और क्या नहीं किया है इसके बारे में आज सोचकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप फॉलो करो, आज तो मैंने क्या सीखा है आज तक। मित्रों नमस्कार, मैं संजय बत्ती स्वरस्वामी, ओल्ड स्वरस्वामी न्यू दोनों चैनल के माध्यम से आपके सामने फिर एक बार हाजिर हो रहा हूँ। इस वक्त की वीडियो में थोड़ा सा अलग सोच के आया हूँ, आपके सामने कुछ अलग रखने का प्रयास कर रहा हूँ। अब तक तो मैंने बहुत भाषण दिया, किसको समझ में आया किसको नहीं समझ में आया पता नहीं, जिनको समझ में आया उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको समझ में नहीं आया जो ट्रेडिशनल सिस्टम से चलना चाहते हैं उनके लिए भी कुछ सोच रहा हूँ। YouTube पे बहुत सारे चैनल्स हैं, आप सब देखते हो, उसको फॉलो भी करते हो, फायदा किसका कितना होता है कितना नुकसान होता है आपको कुछ समझ में आता है नहीं आता ये भी नहीं पता। मेरी कोशिश हरदम यही रही है कि लोगों के बताए हुए मार्ग पर मैं नहीं चलना चाहता हूँ, मुझे जो लगता है कि आपके लिए मैं क्या करना चाहिए और क्या करना चाहता हूँ ये आप समझ कर, आपको मैं गृहित लेकर अपने दिमाग में रखकर कि एक स्टूडेंट को क्या जरूरत है ये सब चीज जानने के बाद में मैं इस लेवल तक पहुंचाऊं कि आपको सिखाने के लिए मुझे क्या क्या प्रयास करने पड़ेंगे, क्या क्या सोचना पड़ेगा, यही सोच के मैं वीडियो बनाता हूं, ना कि किसी और के बताने से या ये करने से। वीडियो चले या ना चले बात अलग है, सबको लगता है कि वीडियो चलना चाहिए ऐसा होना चाहिए, कई कमेंट्स भी आते हैं, कोई बोलते भी है, उसके बारे में मैं सोचता नहीं हूं। मैं एक बार निकल पड़ा हूं और अच्छा देने की कोशिश कर रहा हूं आपको, समझाने की समझ में आना चाहिए इस लेवल तक नीचे उतर कर आपको वो चीज दिमाग में कैसे बैठेगी ये चीज आपके माध्यम से सोचकर मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। इसमें मुझे कितने लाइक्स कितने क्या ये सब चीजों के बारे में मैं नहीं सोचता हूं। मैंने कभी आज तक बोला भी नहीं है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो या फिर मुझे बेल आइकन दबाओ ऐसा करो वैसा करो। मुझे विश्वास है कि मैं जो काम कर रहा हूं उसमें आज ना कल आपकी आंखें खुलेगी, आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है क्या चाहिए। ये ट्रेडिशनल सिस्टम जो थी कि छोटा ख्याल बड़ा ख्याल दो आला पे दो ताने, ये सब सिस्टम आपने सीखी हुई है, उसके आगे आपका दिमाग कहाँ चलता है आप सोचिए। अब चलता भी है तो यहां आने के बाद चल रहा है या पहले चलता था ये सोचिए। फिर अब तक 5 परीक्षा 6 परीक्षा 7 परीक्षा होने के बाद में आपको ऑन स्टेज 30 मिनट ईमानदारी से परफॉर्मेंस देते आया है क्या ये सोचिए, और देते नहीं आया तो उसका कारण क्या है, आपने तो 10 साल उसके अंदर डाले हैं फिर क्यों नहीं आया, ये सब सोचना आपका काम था या आपके गुरु का काम था मुझे नहीं पता। जो भी सीख रहा है गाना उसका अंतिम ध्येय और अंतिम उद्देश्य क्या है ये बताओ, परफॉर्मेंस है बराबर, वो परफॉर्मेंस बुरा होना चाहिए ऐसा किसी का इरादा होता है। तुम्हारा गाना 4 लोगों ने सुनकर तुमको सराहना चाहिए अच्छा बोलना चाहिए ये इच्छा सबकी होती है बराबर है, फिर उसके लिए तुम क्या प्रयास करते हो, तुम खाली प्रैक्टिस करते हो जो गुरुजी ने बताया, गुरुजी हमको तो पता नहीं है ना, हमको तो जो गुरुजी ने सिखाया वो हमने सीखा, कभी तुमने गुरुजी को टटोल कर देखा क्या कि गुरुजी तुम्हारे जो सिखाते हैं उसके उपरांत कुछ और भी गाते हैं लाइट छोड़ के। एक 4 टुकड़े गुरुजी ने लिया है और 4 टुकड़े गुरुजी तुम्हारे 4 घंटे गा रहे हैं ऐसा तुमने कभी उस्ताद देखा है, नहीं देखा, क्यों कि लोगों को क्लासिकल में इंटरेस्ट नहीं है। लगता तो है सबको कि आना चाहिए समझना चाहिए, अच्छा उसमें तो कुछ महाभाग पहले 2 लाइन के ऐसे होते कि हम तो क्लासिकल जानते हैं ऐसा सोचते हैं समझ के, क्योंकि वो पेड रहते हैं ना उनकी तरफ से पेड प्रोग्राम होते हैं तो उनको पहली 2 लाइन मिलती है, वो सबसे नुकसानकारक है, समझता कुछ नहीं लेकिन वो मुंडी हिलती उनकी, ऐसे भी लोग रहते हैं, ऐसे से बच के रहना चाहिए। अच्छा दूसरी बात ये भी बोलता हूँ मैं, ये सब छोड़ो तुम्हें किस चीज में तरक्की करना है उसके ऊपर ध्यान दो, वो फलाने ने ऐसा किया वो उसने वैसा किया उसने ये बोला गुरुजी आपका वीडियो उसने ये किया उसने वो पदनी के पलटे बोले, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ ये सोच है जो ऊपर वाले की तरफ से आई है सभी के पास में है, सबने अपने अपने दिमाग से वो सोच लगाना है, कोई ग्राउंड में बैठ के गाता है कोई घर में बैठ के गाता है कोई बाथरूम में गाता है कोई और कहीं गाता है, जो भी अपने अपने मर्जी से अपने अपने तरीके से सिखाता है, तुम लोगों को क्या सीखना है वो तुम्हारी चॉइस रहती है कि किसके पास जाना। एक मेरा स्टूडेंट है बोला कि गुरुजी मैं बड़े आर्टिस्ट के पास सीखने गया
चार महीने हो गए, चार साल हो गए वहीं पे चल रहे हैं आ ई उ ऊ में। मैंने बोला उनकी गलती नहीं है, वो तो दुकान खोल के बैठे हुए। आपको समझना चाहिए कि आपको क्या सीखना है। गुरु के पास में जाने के बाद में जब तक तुम्हारा समर्पित भाव, समर्पण भाव नहीं होता है, तब तक वो मेहरबानी भी नहीं होती, ये भी ख्याल में रखो। जब तक तुम स्वाधीन हो जाते हो उसके बाद में नेचुरली वो चीज निकलती है। और तुमको ये चीज समझ में नहीं आती कि तुम कहां तक तरक्की कर लियो भगवान के, ठीक है। संगीत सिखाने की बहुत सी विधियां है, बहुत से स्टाइल्स है। मैं जिस स्टाइल को आगे बढ़ा रहा हूँ, मेरे उस्ताद जी है, उस्ताद मुबारक अली खान साहब, दिल्ली आगरे वाले जो दिल्ली में थे, उनकी तरफ से वहां पे जो कुछ मैंने पाया है और स्वामी जी की मेहरबानी से जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ है वो आपके सामने रखने की पिछले 35-40 साल से कोशिश कर रहा हूँ। ये तो अच्छा हो गया कोरोना आ गया बीच में, उसके बहाने मैं आप तक जुड़ सका हूँ, तो उसका भी धन्यवाद बोलना पड़ेगा कि ऊपर वाले का, कि उसने ये जो बंद पड़ा हुआ था हिसाब वो आपके सामने लाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयोजन किया। हालांकि बुरा हुआ, कोरोना नहीं आना चाहिए था, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया कि उस माध्यम से मैं आपकी तरफ जुड़ पाया हूँ, ठीक है ना। बड़े बड़े लोग आते, बड़े बड़े माता जी महारानियाँ सब यहाँ पे आ गई, कोरोना की वजह से सब कुछ हो गया है। आज शुरुआत करते वक्त मैं एक क्लास कम वीडियो दोनों साथ में बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोग, मैं ये ट्वीट कर रहा हूँ कि आप जैसे बाहर से लोग जो वीडियो देखते हैं उनको सीखने के लिए सच में मैंने क्या किया है और क्या नहीं किया है, इसके बारे में आज सोचकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप फॉलो करो। आज तो मैंने क्या सीखा है आज तक बोलो। हाँ, ये क्या है? बोलो। ये सब स्टाइल्स है, सुरों को अप्लाई करने की अलग अलग अपने दिमाग से आई हुई स्टाइल्स है, कोई अलग तरीके से सिखाएगा। आफ्टर ऑल सबसे लास्ट में क्या है कि तुम्हारे सुर किसी भी कारण से पक्के होना चाहिए, बराबर है। कोई बोलता पहले हारमोनियम के सुर देखो, कोई बोलता स्केल मत बदलो, तो उसमें से तुमको क्या करना है कि अच्छा फीमेल है तो क्या काली चार काली पांच में गाएगी? आशा भोसले और लता मंगेशकर फिर तो फिर कौन है, फीमेल ही तो है वो। कैसे आशा भोसले का वीडियो आया, उसने बोला कि मेरे पापा सफेद चार में गाते थे, मैं उनके पास में बैठ के मैंने खींच खींच के आवाज को ऊपर लाया। आपने देखा वीडियो उनका? हाँ, मैंने खींच खींच के मेहनत करके आवाज ऊपर लाया। अब वो इतने बड़ी सिंगर बोल रही है, इसका मतलब ये बात तो आपके दिमाग में पड़ डाल दे कि आप फीमेल हो, काली चार काली पांच के सिवा गा नहीं सकती हो। ये किसने तय किया? हम ही लोगों में से कोई तो बेखा था उस्ताद होगा, नहीं नहीं यार ये फीमेल है। सबसे पहली बात तो बोलो फीमेल की स्केल ही ऊंची रहती, कोई कंठ ही नहीं रहता, तो आवाज नीचे खर्च वर्ज करने से कोई जरूरत नहीं। फीमेल ने खर्च करने से क्या फायदा बता मेरे को? फीमेल खर्च कर रही है, वो कितनी भी खर्च करे उसकी आवाज उससे मोटी नहीं हो सकती। नेचुरली अगर उषा उत्तुप जैसी स्केल मिली है तो वो मेल फैक्टर उसमें ज्यादा है आवाज में उसकी, और उषा उत्तुप ने आवाज कितनी भी पतली की तो पतली नहीं हो सकती। हमने कितनी भी पतली सोची, हम पतली लगा सकते, पतली बना नहीं सकते। और पतली लगाना ये सोच का काम है, पतली बनाना ये ऊपर वाले के हिसाब से मिलता है।